नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बिहार में कटिहार जिले के कोटा थाना इलाके में तेज रफ्तार एक ट्रक ने 5 साल के बच्चे को रौंद डाला। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर खूब बवाल काटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच में जुट गई है। एक्सीडेंट हो गया, मशीन लेकर जा रहे थे, मतलब हम चला गए। अच्छा। बाद में बच्चा आया, पीछे से आ रहा था, आ रहा था। मेरा माई भी था उसके साथ, बच्चा मैंने आगे बढ़ गया। अचानक धक्का मार, गाड़ी आ रही थी कटिहार की तरफ से जी, सिमरिया चौक पर एक बच्चा को जो है स्पॉट बच्चा हो गया, मर गया है। अब आगे का हम लोग प्रयास रहते हैं कि जाम जो है कि पब्लिक इशू खत्म हो और जाम खत्म हो, इसलिए हम लोग प्रयास रहते हैं। तो फिर उस मृतक को मुआवजा की कहीं कुछ मुआवजा तो जैसे सरकार के द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि जो है कि 5 लाख रुपया मिलना है जी। तो उस पर हम लोग जो है कि मृतक के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। ट्रक में बच्चा को एक्सीडेंट कर दिया, स्पॉट डेथ। बच्चा कहाँ का था? क्या नाम था बच्चे का? छोटा बच्चा 5 साल का, दिलनवाज। कैसे दुर्घटना हो गई ये? वो बच्चा साइड से जा रहा था, गाड़ी भी कटिहार तरफ से आ रहा था, उसी में मतलब जो है बच्चा दबा गया।